जी तो दोस्तों हमने पेन टूल की मदद से बहुत मज़ेदार कार्टून करेक्टर्स ट्रेस करने और ड्रा करने सीखे और इसके साथ साथ हमने उनमें कलर भी किया तो चलें अब हम पेन टूल ही की मदद से कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना सीखते हैं चलें स्टार्ट करते हैं पेन टूल के साथ मज़ीद प्रैक्टिस जी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपके लिए इस वक्त मैंने ये एक सज़र का जो इमेज है ये यहाँ पर रखा हुआ है ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सिजर को ट्रेस करेंगे पेंटूल की मदद से और फिर इसके अंदर हम ब्लैक कलर जो है वो फिल करेंगे अच्छा दोस्तों एक जो प्रॉब्लम बार बार आपको आता है जैसे कि अभी हमें भी कुछ ये चीज़ बार बार फेस करनी पड़ती है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के किसी जे पैक को या किसी इमेज को रख के उसके ऊपर ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो बार बार वो जो इमेज होता है नीचे वाला वो हिल जाता है अपनी जगह से इसको कंट्रोल करने के लिए या आपको मैं एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ इसको ज़रा जल्दी से नोट कर लें ये देखें आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है लॉक लॉक के अंदर जाके सिलेक्शन पे आपने क्लिक करना है तो ये देखें जो आपका ऑब्जेक्ट है जो आपने उसको सेलेक्ट किया और आपने ऑब्जेक्ट में जाके उसको लॉक कर दिया अब ये क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका एक जगह से बिल्कुल हिलेगा नहीं और आप बड़े आराम से इसको ट्रेस कर सकते हैं चलें इसको ज़रा जूम इन करते हैं और इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर कुछ दो तीन जो है वो राउंड शेप्स हैं और बाकी का जो है ये हम करेंगे पेन टूल की मदद मतलब से और ये जो राउंड शेप्स हैं इनको हम एलिप्स की मदद मतलब से आसानी से बाद में ड्रा कर लेंगे तो इसको मैं जूम करता हूँ और यहाँ से दोस्तों इसको स्टार्ट कर देता हूँ पेन टूल लेंगे और उसी तरह से अपनी आउटलाइन के अंदर कोई एक ब्राइट कलर रख के हम ड्रा करना शुरू कर देंगे और हमारी जो फिल है वो ज़ीरो होनी चाहिए उसके अंदर नान के ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट करना है और ख़्याल रहे कि जो शेप आप ड्रा कर रहे हैं उसकी जो कर्व्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और बेहतर से बेहतर जो है जितनी बेहतर आप अपने तौर पर ड्रा कर सकते हैं वो करें अच्छा दोस्तों इसमें ऐसा है कि अगर शुरू में आपसे ये कर्व्स प्रॉपरली पेन टूल से ड्रा नहीं हो रही तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हिम्मत हार जाएं और आप जो है वो डिस हार्ट हो के बैठ जाएं आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने करना सिर्फ़ ये कि आपने प्रैक्टिस करते रहनी है ये देखें ये मैंने इसकी एक साइड जो है वो ड्रा कर ली है और अब मैं इसकी दूसरी साइड जो है इसको ड्रा करने लगाऊँ दोस्तों इसको मैं यहाँ से स्टार्ट से ले लेता हूँ ताकि मेरा जो पाथ है वो क्लियर हो ये देखें ये स्ट्रेट पाथ था इसको मैं बड़े आराम से स्ट्रेट लाइन लगाई और अभी हम कर्व्स को ड्रॉ करने लगे हैं अभी आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने नीचे रखा हुआ है वो बिल्कुल अपनी जगह पे स्टैटिक है साकेन है वो बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहा और इसकी मदद से हमें आसानी ये हुई है कि हम बड़े आराम से फ्री माइंड होके जो है वो अपनी ट्रेसिंग जो है वो कर रही हैं है पेन टूल की मदद से दोस्तों ये साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं कि साथ साथ मैं स्पेस बार यानी कि हैंड टूल को जो है वो यूज़ करता जा रहा हूँ क्योंकि मैं जूम के अंदर जाके अपनी ये ड्राइंग बना रहा हूँ तो मैं स्पेस बार की मदद से यानी कि हैंड टूल की मदद से साथ साथ जो है वो जो मेरा आर्ट बोर्ड है उसको मैं मूव करता जाता हूँ अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंगली ताकि मुझे ड्राइंग करने के अंदर मसला ना आए तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि आपने बिल्कुल भी डिसार्ट नहीं होना और आपने पेन टूल की प्रैक्टिस जो है वो आपने जारी रखनी है ये देखें मैंने सज़र की जो आउटलाइन है इसको ड्रा कर लिया है अब मैं लिप्स टूल पे आता हूँ यहाँ पे और लिप्स टूल में से ये देखें मैं सर्कल लिया और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से अब दोबारा हम लिप स्टूल पे आते हैं यहाँ से हमने ये एक शेप ली और डेफिनेटली इसको हमें थोड़ा सा अपनी शेप के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना होगा तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है हम बड़ी आसानी से कर लेंगे ये देखें दोस्तों इसको हम चलें एक काम करते हैं कि इसको हम पेन टूल से ही ड्रा कर लेते हैं और ये देखें ये हमारे पास कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको जब आप शेप टूल की मदद से उनको ड्रा कर रहे होते हैं तो या तो फिर आपको उनके अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए जाना पड़ता है एंकर टूल के ऊपर या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं आपको पेन टूल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो इसलिए मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो पेन टूल का ही करूँ तो ये देखें जी एक इसका जो है पाथ हमने बना लिया और ये एक और पाथ हम इसका जो है वो क्रिएट कर लेते हैं ये देखें दोस्तों ये हमने इसकी जो इसके अंदर हमारे पास शेप थी वो हमने पूरी जो है वो ड्रॉ कर ली है अब ये जो हमारे पास आगे डॉटेड लाइंस आ रही हैं इनको भी हम एक बार ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम इनको डुप्लिकेट कर लेंगे ये देखें एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा एक्यूरेट रहने के लिए आपको ज़रा सा ज़ूम में जाके जरा इसको तसल्ली के साथ ड्रॉ करना होगा अब इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट जितनी मर्जी बार आप इसको ऑल्टो शिफ्ट की मदद से डुप्लीकेट कर सकते हैं अब दोस्तों मैं क्या करता हूं कि इस सारे को सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां से आके करता हूं ब्लैक कलर अब मेरे पास सिर्फ ये रह गई हैं मेरे जो वाइट कलर की ये तीन शेप्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से आके इनमें कर देता हूं जी वाइट कलर तो ये देखें हमारी जो शेप है वो पूरी की पूरी ड्रॉ हो चुकी है स्ट्रोक को बेशक आप नन कर दें ये देखें जी अब हम ये करते हैं कि जो इसके पीछे हमने शेप रखी हुई थी उसको हम जाके अनलॉक करके साइड पे ले जाते हैं या इसको हम डिलीट कर देते हैं तो ये देखें आपके सामने पूरी की पूरी जो शेप है सिजर की ये ड्रॉ हो चुकी है दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने पेन टूल की मदद से अभी सीज़र को जो है वो क्रिएट किया है और बड़ी आसानी से पेन टूल की मदद से ट्रेस करते हुए हमने पूरी सीज़र क्रिएट कर ली है इसी तरह से हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ट्रेसिंग की मदद से पेन टूल से तो इन शाली नेक्स्ट लेसन में हम आ, किसी और ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रेस करेंगे पेन टूल की मदद से